देश का रेल बजट आने वाला है और रेल बजट से दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक और आदर्श रेलवे स्टेशन पानीपत के लाखों लोगों को भी रेलवे बजट से बहुत उम्मीदें हैं। पानीपत रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन कहा जाता है, रेलवे रिकॉर्ड में दर्ज है। ये रेलवे स्टेशन कितना आदर्श है, यात्रियों को कितनी सुविधाएं हैं, यात्री कितने सुरक्षित हैं, आज इस चीज का जायजा लेंगे। आइए चलते हैं सफर पर। अंबाला क्षेत्र करनाल पानीपत सोनीपत होते हुए ये ईएमयू ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही है। रेलवे की सुविधाओं और यात्रियों की समस्याओं का जायजा लेने के लिए आज हम पानीपत टू दिल्ली का सफर करते हैं यात्रियों के साथ और पूरे रास्ते बात करेंगे रेल बजट से यात्रियों को इस रूट पर, खासतौर पर जो छोटे फुटकर यात्री हैं, क्या उम्मीद है इनकी। ये सफर हमारा शुरू होता है। पानीपत जंक्शन से हमारा दिल्ली का सफर शुरू हो चुका है। आप देखिए, हालांकि बहुत रश होता है, आज कुछ रश कम है। बहुत सारे डेली पैसेंजर्स भी हैं जो हर रोज सालों से यात्रा कर रहे हैं इस ट्रेन में। आप डेली पैसेंजर हो, दिल्ली के लिए ट्रेन चली है गनौर सोनीपत, रास्ते में तमाम शहर आएंगे, क्या क्या समस्याएं आप लोगों की हैं जो बरसों से आप लोग कह रहे हो लेकिन दूर नहीं हो रही? मेनली टाइमिंग की दिक्कत है, यहाँ पर कभी क्रॉसिंग करा देते हैं बीच में, कभी टाइम पे नहीं आती ट्रेन, लेट कर देते हैं, जबकि हमें डेली जाना होता है लेकिन डेली हम पहुंच नहीं पाते टाइम पे। रेल यात्री हमेशा सुविधाओं की मांग करते हैं, बहुत कुछ डिमांड करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए उनको, जैसे थूकना, टिकट ना लेना, जेब काटना, इस तरह की रेल यात्रियों की। तो रेल यात्रियों की भी क्या जिम्मेदारी बनती है आप सोचते हैं रेल में जब सफर करते हैं, स्टेशन पे आते हैं? जिम्मेदारियां तो सबकी बनती है एक तरीके से, तो हमारी भी होनी चाहिए प्लस रेलवे वालों की भी होनी चाहिए। अगर ठीक है हमारे में से कोई अगर इस तरीके से करे तो दूसरे बंदे को समझाना चाहिए कि भाई इस तरीके की एक्टिविटी मत करे, ताकि हमें अगर अच्छा लगेगा तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा। अगर साफ रेल हमें भी अच्छी लगती है और आगे रेलवे वालों को भी अच्छा लगता है। आप तो यंग हो, आप इस युवाओं से, इस सरकारी युवाओं के नाम पे बनी थी हमारी सरकार, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की सुविधाएं और जो समस्याएं हैं, आप लगता है बुलेट ट्रेन का सपना सच हो सकता है इस देश के लिए? बिल्कुल हो सकता है सर। एक हमारे यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो आज तक कितना सक्सेसफुल है, वो भी क्लीन आज तक, बट ये रेलवे नहीं हो पाया क्योंकि मे बी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और भी बहुत रेयर थिंग्स है। अच्छा, अगर हम उसको इस तरीके से मैनेज करें तो ये भी हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल हो पाएगा। दो लाइन में ये बता दो, रेल बजट आने वाला है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या चाहते हो, जो आप महसूस करते हो दिखते चल रही है उस पर फौरी तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? लाइक मेट्रो प्रोजेक्ट, इसको भी इसी तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए ताकि ये भी आगे हमारा अच्छा प्रोजेक्ट चले। पानीपत से दिल्ली का हमारा ये ट्रेन से सफर जारी है। जो डेली पैसेंजर्स होते हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपने काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, ट्रेन का सफर करते हैं, बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो एक कोने में बैठे होते हैं डिब्बे के। इनका ये कहना है कि कोना इसलिए सुरक्षित है, ना तो कोई उठाने वाला मिलेगा, अपनी मर्जी से उठेंगे। कई लोग कहते हैं जिनको सीट नहीं मिलती, आपकी जिंदगी के 20-25 साल तो ये कोने में बैठे ही कट जाएंगे क्योंकि सीट नहीं मिलती। अब ठीक है, 8 साल कट जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, उड़ा और भी दुखे और भी धक्के मारा आगे ने आड़ा बैठे आड़ा बीड़ी पीड़े ठाट दम मजा ले रहे। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे लोग कहते हैं रेलवे में टिकट नहीं लेते, बिना टिकट चलते हैं, ये सही बात है क्या? रेल की तरक्की कैसे होगी, आपको सुविधाएं कैसी मिलेगी? वो तो गलत काम करे ना जी, जो टिकट नहीं लेते फिर पकड़े जा दुगने से, आपको दुगने से अगर अपना पेड़ा छुट्टन का फिर ना जेल काटो। अच्छा आपको इस बात का अफसोस है कि आपको कभी सीट नहीं मिली, कोने में बैठे रहते हो? ना हमने कोई अफसोस नहीं इस बात का, हमने कोई अफसोस नहीं। रेल बजट आ रहा है अभी सरकार का, साल में नई नई घोषणाएं, नई ट्रेनें चलती हैं, क्या समझते हो, क्या चाहिए आपको, यात्रियों को क्या चाहिए सरकार को बताओ? रोजगार मिलने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, सीट मिलनी चाहिए, अपने सामान का खुद सवारी जिम्मेदार होनी चाहिए, बगैर टिकट सफर नहीं करना चाहिए। अच्छा रोज ट्रेन में सफर करते हो, समस्या क्या आती है आपको वो बताओ आज सरकार को अपनी? बस समस्या तो कुछ नहीं आती, थोड़ी गाड़ी लेट हो जाती है, तो गाड़ी चल रही है। तो ये आम आदमी की ट्रेन है, सुखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आम आदमी की ट्रेन है बोलो? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी की ट्रेन है। चलिए लोग थोड़ी बहुत परेशानी उठाकर भी उनको संतोष इस बात का है कि आम आदमी की ट्रेन में इनको ज्यादा दिक्कत नहीं है सफर करने में, ये सफर हमारा जारी है। कुछ और डेली पैसेंजर्स हमारे साथ, ज्यादातर लोग डेली पैसेंजर इस ट्रेन में। सोनीपत से पानीपत जाते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। पानीपत से सोनीपत किस तरह की दिखते हैं आप समझते हो आती है और क्या उम्मीद करते हो नया रेल बजट आ रहा है? अब जैसे ना एक जैसे झेलम के बाद कोई ट्रेन नहीं होती, उसके बाद 10 बजे है, तो बंदा दुकानदार तो परेशान हो जाता ना भाई, ना 11-12 बजे पहुंचता है सोनीपत,
दुकान भी चलानी होती टाइम से बोल भाई, ये गाड़ी और होनी चाहिए पानीपत से, ये झेलम के पीछे पीछे चला दे 15-20 मिनट का डिफरेंट कर, होनी चाहिए झेलम। तो आम जैसे लोकल जाते हैं पानीपत वाले जाते हैं, दूसरे भी संभाल का वाले भी है, उनको भी थोड़ा परेशानी से कम मुक्ति मिलेगी। बताओ आप क्या क्या डिमांड है, बोलो सरकार। हमारी यही है भाई, 9 बजे के बाद एक ट्रेन हो जाए पीछे, जिससे हमें, क्योंकि हम 8-8:30 बजे पहुंच जाते हैं, फिर हम वहाँ पे जाकर कुछ कर नहीं सकते। 9:20 की एक ट्रेन तो है पीछे ही, वो 10 बजे है जी, वो 10 बजे चल के फिर 12 बजे तक पहुँचती है, 11:30 भी हो जाते हैं, 12:15 भी लेट भी हो जाती है वो। तो किस टाइम ट्रेन चाहते हैं बोलो? ये 9 बजे के करीब हो। कहाँ से चले वो? हम पानीपत से ही चलते हैं जी। रेलवे स्टेशन पर हम उतरे हैं और अब महिला यात्री कोच का अब जायजा लेंगे, महिलाओं को कितनी सुरक्षा उनकी है और क्या किस तरह की सुविधाएं चाहती हैं महिला डिब्बे की ओर चलती हैं। समालखा से हम महिला डिब्बे में सवार हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता रही है रेलवे की, और महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ सुविधा भी। आप ये बताओ जी, डेली पैसेंजर सफर करते हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बार इस तरह की घटनाएं होती है जिससे आप लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, अभी क्या जो आपकी सुरक्षा है ठीक है या कुछ करने की जरूरत है? बहुत कुछ करने की जरूरत है, बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। अभी 15 तारीख को भी एक घटना हुई है एसी केडीएम ट्रेन के अंदर, जो बादली पे घटना हुई है, शायद आपको आपको मालूम भी होगा। तो मतलब यहाँ पे जेंट्स आ जाते हैं, लड़के खड़े हो जाते हैं और उनको मतलब कोई डर नहीं होता किसी भी तरह का। अभी भी जब हम सवार हुए इस ट्रेन में, मेरे को कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा, जबकि पुलिस वालों की बकायदा ड्यूटी होती है। आप बताओ, सुनो, आप रोज दिल्ली जाते हो, किस तरह की मतलब आपको डर होता है कि पुलिस वाला है नहीं, आदमी चढ़ जाते हैं, अभी भी चढ़े हुए हैं, आपने कभी आदमियों को कहा जी उतरो नीचे लेडीज डिब्बे, आप कभी विरोध करते हो? हमने नहीं कहा। क्यों नहीं करते? ना, क्या करें जी, मानते नहीं बच्चे, मानते नहीं है, क्या फायदा दही का, बेटर लगता है कि अपना क्या करते हैं। अच्छा, आज पुलिस वाला नहीं है, आज से पहले कब नहीं होता, हफ्ते में कितने दिन पुलिस वाले नहीं होते? बीमारी होता जी, नहीं होते नहीं है जी, हाँ होते नहीं है, होते नहीं है। लिहाजा महिलाओं की सुरक्षा सुविधा तो बाद की बात है, सुरक्षा पहली चिंता है। आप बताओ, सुनो, हर रोज डेली पैसेंजर करते हो आप, पढ़ने जाते हो नौकरी के लिए, क्या महिलाओं के लिए सुरक्षा की जो बात है, कितने सुरक्षित हो इस ट्रेन में आप? सुरक्षित हो, सुरक्षित। नहीं नहीं, जो छेड़छाड़ की घटनाएं इस तरह की होती है, जैसे पुलिस वाला होना चाहिए, नहीं है, क्या कहना आपका? होना चाहिए पुलिस वाला, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोग कह नहीं सकते हैं लड़के लोगों को, इसलिए अगर कुछ कहते हैं तो बदतमीजी करें, इस वजह डर की मारे कुछ नहीं कहते ना। अच्छा, कोई आपसे बदतमीजी करते तो आप चुप हो जाते हो या रिएक्ट करते हो? नहीं, मैं तो मारपीट शुरू, मारना पीटना शुरू हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बताओ, सुनो, महिला की सुरक्षा को लेकर अब रेल बजट आ रहा है, क्या सुविधाएं चाहते हो आप जो लोग डेली सफर करते नहीं है? हम लोग यहाँ पुलिस के होते हुए भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि RPF स्टाफ खुद यहाँ बदतमीजी करता है। परसों भी एक पुलिस वाले ने मेरे पास साथ छोटी पर बदतमीजी की है, और ड्यूटी ना होते हुए लेडीज कोच में चढ़ रहे हैं, जितने लोग खड़े हैं उनको कुछ नहीं बोला जाता, जो फैमिलीज के साथ बैठे होते हैं RPF 100-200 के लिए उनको मारता है। क्यों? कभी आपने शिकायत की है इसकी, जैसे जो भी अथॉरिटीज होती है कभी कंप्लेंट बुक होती है? कितनी बार, मोस्टली लेडीज जानती है, मैंने बहुत बार कोशिश की है, बट एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। 2 दिन पहले लड़की के साथ यहाँ बदतमीजी हुई, इतनी लेडीज होते हुए 2 लेडीज को कुछ नहीं बोल पाई। क्यों? क्योंकि पता है RPF स्टाफ कुछ नहीं करता है स्टेट के अंदर, RPF स्टाफ को बोला जाता है वो बदतमीजी खुद करता है। सोनीपत से इवनिंग में एक RPF का चढ़ता है, उसकी ड्यूटी पानीपत होती है, नॉट इन ट्रेन, ट्रेन के अंदर चढ़ के वो लेडीज सोई हुई है, उनको टच करके उठा रहा है, हु इज ही? महिलाएं सुविधा की बात डिमांड बाद में करिए, इनका पहले यह कि हमें सुरक्षा चाहिए। इन्होंने ये बताया कि GRP और RPF जिनकी जिम्मेदारी है इस कोच की सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा करना, वो अव्वल तो होते नहीं, जैसे आज भी नहीं है, लेकिन होते हैं तो इस तरह की खुद घटनाएं करते हैं जिनकी जिम्मेदारी इस तरह की घटनाओं को रोकना है। आप क्या कहेंगे, आप स्टूडेंट हैं या नौकरी करने जाते हैं, आप बताओ, सरकार से नया बजट आ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? मतलब पुलिस वाले होने चाहिए ट्रेन में, तभी तो सिक्योरिटी होगी। एक दिन ना, मतलब 2-4 दिन जब होता है कि हाँ आ गए, उसके बाद आना बंद कर देते हैं, तो हर रोज तो होने चाहिए ना लेडीज। चलिए, होना ना होना अलग बात है, उनका बिहेवियर, उनके जो उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की, आपको आपत्ति है उस पर? मैंने तो कभी ऐसे देखा नहीं, देखो मैं कम आती हूँ कॉलेज, नॉन अटेंडिंग है, तो फिर मैं इस बारे में कुछ। नए रेल बजट से कोई नई ट्रेन की या कुछ किसी तरह की सुविधा की डिमांड करते हैं सरकार से? हाँ, होनी चाहिए ट्रेन। क्या होना थोड़ी देर ट्रेन होनी चाहिए, जैसे 8 बजे 7:15 है, उसके बाद फिर एक ट्रेन होनी चाहिए, जैसे झेलम आती है, झेलम एक्सप्रेस है, पैसेंजर ट्रेन ही लगा देनी चाहिए। लिहाजा जितनी महिलाओं से हमने बात की है, इनकी सुरक्षा और दूसरी बात GRP और RPF को लेके बिल्कुल शिकायतें, और रेलवे मिनिस्ट्री और जो अथॉरिटीज हैं जिनकी जिम्मेदारी है,
वो इस पर गौर करें कि महिला जो डिब्बा है उसमें पुलिस वालों की ड्यूटी भी और उनके तौर तरीके भी ठीक हो। हमारा सफर दिल्ली की ओर जारी है।